मैं रूथ हूं। मैं आपको अपनी कहानी बता रही हूं। अब तक आपने सुना कि कैसे चर्च में कत्लेआम हुआ, उसमें मैंने अपने पिता को खो दिया। लाला रामजी मल हमें एक झोपड़ी में ले आए। अब आइए सुनते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। लाला जी हमारे पास रात के अंधेरे में आने का वायदा करके चले गए। उसके बाद उन्होंने हमें अपने घर ले जाना था। ऐसा करने में बड़ा खतरा था, लेकिन उन्होंने हमारी हिफाजत करने का वायदा किया था। वे एक ऐसे आदमी थे जो मन में किसी भी काम को ठान लेने के बाद उस काम को करके ही हटते थे। वे सरकारी नौकर नहीं थे, इसलिए उनके ऊपर अंग्रेजों के प्रति किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं थी, न ही उन्होंने विद्रोहियों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र रचा था, क्योंकि उनका रास्ता उनसे अलग था। वे हमेशा अपने काम से काम रखते थे। उनके पास कई डोलियां और बग्घियां थीं। वे उनको उन यूरोपी लोगों को किराए पर देते थे जो उनको खरीदने में असमर्थ थे। वे अपना काम शांति और कुशलता पूर्वक करते थे। उनके संपर्क में आने वाले लोग उनको इज्जत की नजर से देखते थे। किसी भी काम के पीछे उनका अपना नजरिया होता था। हमारी मदद करने के पीछे उनका यह नजरिया नहीं था कि हमारा संबंध अंग्रेजी हुकूमत के साथ था। मेरे पापा शाहजहांपुर में शायद सबसे निम्न पद पर काम करते थे। लाला जी हमें कई सालों से जानते थे, मेरी माँ से स्नेह भी करते थे। माँ हमेशा उनको अपना मित्र और अपने जैसा समझती थी। उनको देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं पितृविहीन नहीं और ना ही माँ विधवा हुई थी। अपना निजी दुखड़ा रोने के लिए हमारे पास समय नहीं था। हम सबकी जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा था। अपने छिपने के स्थान पर हमें अपने जल रहे घर से लकड़ी की चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। शहर से छावनी तक चारों तरफ सड़कों पर लोगों की चिल्लाहट और शोरगुल बरपा था। अपने दरवाजे के ठीक सामने वाली सड़क पर लोगों को इधर उधर दौड़ते भागने की आवाजें सुनाई दे रही थी। यहां तक कि रोने या छींक की आवाज से भी हम खतरे में पड़ सकते थे। ऐसा होने पर सूरज की चकाचौंध करने वाली तेज रोशनी में लपलपाती तलवारों वाले बाजार के खतरनाक गुंडे के रहम पर हम निर्भर होते। छोटे कमरे में हम 8 लोग थे, माँ, नानी और मेरी मौसेरी बहन एनेट। मेरी माँ का सौतेला भाई पिल्लू, जो मेरी ही उम्र का था, उसकी माँ और हमारी 2 नौकरानियां चंपा और लाडो। घर से भागते समय माँ के पीछे आने वाले हमारे 2 स्नैपियल कुत्ते। मिट्टी की जिस झोपड़ी में हम छिपे थे वह हमारे घर को बनाने में मदद करने वाले राजमिस्त्री तिलोकी की थी। वह हमें अच्छी तरह से जानता था। विद्रोह शुरू होने से पहले जब माँ अपने नौकरों और दूसरे लोगों के साथ शाहजहांपुर में विद्रोह होने की संभावना पर बात करती थी, तब उनमें से एक त्रिलोकी ने मुसीबत में जरूरत के वक्त छिपने के लिए अपनी झोपड़ी की पेशकश की थी। एहतियात के तौर पर मां ने उसकी पेशकश मंजूर कर उससे झोपड़ी की चाबी ले ली थी। बाद में मां ने बताया कि उस दिन जब वह सुबह को बरामदे में बैठी थी, तब माली का लड़का भागता हुआ तेजी से उनके पास आया और चिल्लाकर बोला, विद्रोह शुरू हो गया है, साहेब और मीसी बाबा मारे गए हैं। हम दोनों के मारे जाने की खबर सुनकर माँ ने आवेश में आकर पास के कुएं में छलांग लगानी चाहिए। नानी ने उनको पकड़ लिया और जल्दीबाजी में कुछ न करने के लिए अनुरोध किया। ऐसा करने पर बाकी के हम लोगों का क्या होगा, यह सुनकर उन्होंने सड़क पार की। उनके पीछे दूसरे लोग भी हो लिए। त्रिलोकी के घर में जाकर अंदर से हमने दरवाजा बंद कर लिया। हम
पूरा दिन झोपड़ी में छिपे रहे और डरते रहे कि किसी भी वक्त हमें ढूंढ लिया जाएगा और हम मारे जाएंगे। खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, अगर होता भी तो हम खा नहीं पाते। मेरे पापा चल बसे थे। हमारा भविष्य पूरी तरह से अंधकारपूर्ण था। इस बारे में कोई भी बात करना हमें मुश्किल लग रहा था। दरवाजे के झरोखों से गर्म हवा आ रही थी, हमारे गले सूख रहे थे। ढलती दोपहर के वक्त झोपड़ी की पिछली खिड़की के बाहर लगे पेड़ से हमारे पास ठंडे पानी की मटकी डाली गई। रहमदिली का यह काम चिंता का था। हमारा घर बनने के वक्त वह हमारे यहाँ मजदूरी करता था। रात के लगभग 10 बजे लाला जी वापस आ गए। उनके साथ हमारा पुराना खानसामा धनी था। उन्होंने हमारे सामने अपने घर ले जाने का प्रस्ताव रखा। माँ बाहर निकलने से डर रही थी। लाला जी ने हमें आश्वासन दिया कि उस समय बाहर सड़कें बिल्कुल खाली थीं। हमारे ऊपर किसी तरह का हमला होने का कोई डर नहीं था। आखिरकार माँ जाने के लिए मान गई। हम दो टुकड़ियों में बट गए। लाला जी एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में छतरी लेकर आगे आगे चल रहे थे। माँ, एनेट और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर उनके पीछे पीछे चल रही थी। माँ ने हमारे ऊपर एक चादर, जिसे वह घर छोड़ते वक्त अपने साथ ले आई थी, डाल दी। हम मेन सड़क से दूर रहे और घूम घाम कर जमादारों की बस्ती से होते हुए 15 मिनट में लाला जी के घर जा पहुंचे। वहां पहुंचने पर लाला जी ने बैठने के लिए चारपाई दी। वे खुद चौकड़ी मारकर नीचे जमीन पर बैठ गए। त्रिलोकी का घर छोड़ते समय माँ ने अपना बड़ा सा चाबी का गुच्छा वहीं पर फेंक दिया था। जब मैंने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने हमारे जले हुए बंगले की तरफ इशारा करके कहा, अब ये हमारे किस काम की थी। खानसामा धनी भी दूसरी टुकड़ी के साथ आ पहुंचा। उसके साथ प्यारी नानी, पिल्लू और उसकी माँ चंपा और लाडो और साथ में दोनों कुत्ते थे। लाला जी के छोटे से घर में हम 8 प्राणी थे। जहाँ तक मुझे याद है, उनका अपना परिवार भी हमारे जितना ही बड़ा था। हमें खाना परोसा गया, लेकिन हमसे खाया नहीं गया। हम सब सोने के लिए लेट गए। माँ, नानी और मैं चारपाई पर लेट गई, बाकी सब नीचे फर्श पर लेट गए थे। रात के अंधेरे में मैं मन का बोझ हल्का करने के लिए बुरी तरह से रो रही थी। मेरी माँ भी रो रही थी, लेकिन चुपचाप।